नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जो कि एलर्जी राइनाइटिस के लिए, मतलब जिनको एलर्जी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होता है, छींकें आती हैं, या बहुत ज़्यादा नाक बहती है, आँख से पानी चलता है, तो एलर्जी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोगों में ये देखने को मिलती है, एलर्जी के कारण जो है कई बार आँख से पानी चलेगा, या बार बार सुबह सुबह उठेंगे तो छींकें आएंगी, स्नीजिंग होगी, इस तरह की दिक्कतें जो है होती हैं। नेज़ल डिस्चार्ज भी होता है कई बार नाक से, और थ्रोट में एक तरह का इन्फेक्शन सा बना रहता है, एक तरह सा मतलब कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हुआ हो। ऐसे ऐसे करने की जो है एलर्जी के सारे सिम्टम हैं। तो दोस्तों, मैं वाईके गुप्ता, आपके यूट्यूब चैनल HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक पेटेंट मेडिसिन है SBL की, जिसमें जो है पहले मैं इसकी कंपोजिशन की बात करता हूँ। तो इसमें एलियम सीपा 3x पावर में मिला हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके जो है नाक से पानी बहता है, बहुत ज़्यादा आपको जुखाम रहता है, एलर्जी रहती है, तो एलियम सीपा मिला हुआ है। फिर दोस्तों, इसमें यूफ्रेशिया ऑफिसनेलिस 3x पोटेंसी में मिली हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपके नाक से पानी बहता है, और जो है आपको कई बार आँखों में आँख से पानी बहता है, पानी जो है आँख से जो पानी बहता है वो इरिटेट करता है। फिर इसमें सेबेडिला मिली हुई है 3x में। सेबेडिला जो है नज़ले के लिए, जुखाम के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सुबह सुबह उठते ही आपको छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए सेबेडिला जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सेबेडिला भी इसमें 3x पोटेंसी में मिली हुई है। फिर दोस्तों, इसमें सोलिडेगो मिला हुआ है, सोलिडेगो भी इसमें 3x पोटेंसी में मिला हुआ है, जो कि जो आपको ये जो प्रॉब्लम होती हैं एलर्जी राइनाइटिस की, छींक लगना या आँख से नाक से पानी चलना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये इसके कंपोजिशन थी, चार मेडिसिन इसमें मिली हुई है, एलियम सीपा, यूफ्रेशिया ऑफिसनेलिस, सेबेडिला और सोलिडेगो। SBL की आती है। तो दोस्तों, इसका जो इंडिकेशन है नेज़ल डिस्चार्ज, अगर बहुत ज़्यादा नाक से डिस्चार्ज निकलता हो आपके, एक्सेसिव स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा छींकें आती हों सुबह सुबह उठते हैं, जैसे ही आप ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है नोज़ में और थ्रोट में आपको एक तरह का इरिटेशन सा महसूस होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। एंड हेडक, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और वाटरिंग ऑफ आइज़, आँखों से पानी निकलता रहता है हमेशा, जैसे सुबह सुबह उठते हैं छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, पानी निकलता है आँखों से, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक में कुछ जो है ऑब्स्ट्रक्शन सा महसूस होता है, जैसे कई बार नाक का मांस भी बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, तो ये अगर दिक्कत होती है। एंड हेडेक, और इसके कारण साइनसाइटिस के कारण, एलर्जी राइनाइटिस के कारण जो आपको सिर दर्द रहता है, हेडेक रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन है SBL का ड्रॉप नंबर एट के नाम से आता है, एलर्जिक राइनाइटिस लिखा रहता है इस पे। इसको लेने का तरीका अगर बात करूँ तो एडल्ट्स के लिए इसकी 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में या एक चौथाई कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लें, और बच्चे जो हैं इसकी 5 या 10 बूंद इसकी आपको लेनी है। 175 रुपीज़ इसकी MRP है, और 5 ईयर्स जो है इसका एक्सपायरी डेट रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है SBL का ड्रॉप नंबर 8, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो जिनको भी एलर्जी राइनाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी का भी बहुत सारे रीज़न है एलर्जी होने के। कई बार इसोनोफिलिया काउंट बड़ा रहता है कई लोगों का, तो अगर आप टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं, अगर इसोनोफिलिया काउंट बड़ा रहता है तो भी आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो धूल मिट्टी से हो या पोलन ग्रेन से हो। इसमें और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे मेरी एक ऑलरेडी वीडियो भी है, एक मेडिसिन थी फोटोस 40 मदर टिंचर, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन से, तो उसका मदर टिंचर 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में ले सकते हैं। और साथ साथ में SBL की ड्रॉप नंबर 8 लें, जो कि एलर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कोई भी मेडिसिन से, डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।